दोस्तों अल्पेश यादव के बहुत करीबी दोस्त या फिर यूँ कह लीजिए कि बहुत खास दोस्त, वो इस समय एक रिक्वेस्ट रखते हैं अल्पेश यादव के सामने। और आखिर क्या रिक्वेस्ट है उनकी और क्या कहना चाह रहे हैं वो, आइए आपको देते हैं इस बारे में पूरी अपडेट। सबसे पहले तो नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे चैनल फीफा फूस पर। मेरा नाम गणेश कांदू है। दोस्तों बहुत सारे लोग जो हैं वो प्यार तो करते हैं अल्पेश को, लोग पसंद करते हैं, और हाल फिलहाल जो भी चीज़ें उनकी मैक्सटन के साथ हुई थी वो सॉल्व हो गई हैं। बट चौंकाने वाली बात ये थी कि मैक्सटन ने नाम लिया कि कोई मैंने किसी के उकसाने पर ये सारी चीज़ें की, यानी कि कोई तीसरा बंदा सामने आता हुआ दिख रहा है। तो अभी तक ये बातें पूरी सॉल्व हुई नहीं है भाई, भले तस्वीर अपलोड हुई कुछ भी हो गया, बट जिसने झगड़ा लगवाया जिसके वजह से ये सारी चीज़ें हुई उनके ऊपर भी कोई ना कोई एक्शन तो लिया जाएगा और पता तो चलेगा कि भाई क्या हुआ है। लेकिन दोस्तों एक चीज़ मैं आप लोगों को ज़रूर बताना चाहूँगा कि आज जो फ़ोटो अपलोड की गई अल्पेश द्वारा, उस फोटो में भाई सब चीज़ बेहतरीन है, मतलब लोग बहुत पसंद कर रहे हैं उस फोटो को, लोग बहुत तारीफ़ कर रहे हैं। ये आप देख सकते हो तस्वीर जो अल्पेश ने अपलोड की थी। लेकिन इसके ऊपर इसी तस्वीर को शेयर करते हुए कोई एक ट्वीट करता है, आप नाम देख सकते हो यहाँ पे, मैं बात कर रहा हूँ लक्ष्य चौधरी की, जो कि खुद रोस्टिंग करते हैं। लक्ष्य चौधरी ने इसके पहले भी लिखा था कि भाई मैं एक काम करते हैं, मैक्सटन के लिए 1 मिलियन वाला केक लेके चलते हैं, 1 मिलियन वाला 1 मिलियन का केक लेके चलते हैं, थोड़ा माहौल हैपनिंग हो जाएगा और खुश हो जाएगा। और अब दोबारा से लक्ष्य ने यही बात लिखी है, मैक्सटन का 1 मिलियन का केक भी कटवाओ। ये आप देख सकते हो यहाँ पे। इसके बाद अगर मैं नीचे पढ़ूँ लोगों के कमेंट्स कि लोग क्या लिख रहे हैं, तो किसने लिखा है भाई भाई लक्ष्य भाई आप भी एक बार अल्पेश से पीट लो, खोल गया 2 मिलियन भी हो जाता अगर रजत दलाल, 2 मिलियन भी हो जाते लेकिन रजत दलाल ने काम खराब करवा दिया। कोई लिख रहा है कि भाई ये लो मेरी तरफ से भी एक केक दे देना। फिलहाल दोस्तों इस पर आप लोगों की क्या राय है ज़रूर बताएगा हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर। मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में, धन्यवाद।